सहयोग नहीं, ये अब ये प्रयोग और सोचा समझा उद्योग बन चुका है तमिलनाडु में। तमिलनाडु से दिन की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। कल्लाकुरुची जिले में शराब पीने की वजह से 34 लोगों की जान चली गई है। वहीं गंभीर हालात में 100 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बात की पुष्टि जिला कलेक्टर MS प्रशांत ने की। वहीं मरने वालों की संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। सबसे पहले मरने वालों की संख्या 29 बताई गई थी, जो कि अब बढ़कर 34 हो गई है। बताया जा रहा है कि जहरीली शराब पीने की वजह से इतने लोगों की जान गई है। कल्लाकुरुची के जिला कलेक्टर MS प्रशांत ने जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों से मुलाकात की। इस मामले में 49 साल के कन्नू कुट्टी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से 200 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी जांच कराने पर सामने आया कि उसमें घातक मेथनॉल मौजूद था। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने मौतों पर दुख जताया और कहा कि इसे रोकने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तमिलनाडु CM M.K. स्टालिन ने एक्स पर पोस्ट में कहा, कल्लाकुरुची में मिलावटी शराब पीने वाले लोगों की मौत की खबर सुनकर मैं स्तब्ध और दुखी हूं। इस मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसे रोकने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा, अगर जनता ऐसे अपराधों में शामिल लोगों के बारे में जानकारी देती है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। समाज को बर्बाद करने वाले ऐसे अपराधों को सख्ती से दबाया जाएगा। राज्यपाल की ओर से तमिलनाडु राजभवन ने एक पोस्ट शेयर कर कहा, मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि जहरीली शराब पीने से कल्लाकुरुची में कई लोगों की जान चली गई, कई अन्य गंभीर हालात में हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना और अस्पताल में भर्ती लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है। राज्यपाल ने राज्य के कई हिस्सों से जहरीली शराब के सेवन से मौतों की लगातार रिपोर्ट पर चिंता जताई। पोस्ट में आगे कहा गया, समय समय पर हमारे राज्य के कई हिस्सों से जहरीली शराब के सेवन से मौतों की खबरें सामने आती हैं। वे अवैध शराब के उत्पादन और खपत को रोकने में निरंतर कमियों को दर्शाते हैं। ये गंभीर चिंता का विषय है। कल्लाकुरुची कलेक्टर MS प्रशांत के मुताबिक अब तक 109 लोग भर्ती किए गए हैं, जिनमें से 34 की मौत अकेले कल्लाकुरुची में हुई है। 3 को छोड़कर बाकी सभी का पोस्टमार्टम हो चुका है। जीवन रक्षक प्रणाली के साथ एम्बुलेंस समेत तमाम सुविधाएं जुटाई गई। जल्द ही रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। सलेम और त्रिची समेत नजदीकी जिलों से डॉक्टर और विशेष मेडिकल स्टाफ यहां मौजूद है। पोस्टमार्टम के लिए तुरंत फॉरेंसिक टीम को भी तैनात कर दिया गया है। CBC ID ने जाँच अपने हाथ में ले ली है। एक व्यक्ति फिलहाल हिरासत में है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।